आत्मा से इनका इस्तकबाल करेंगे और हम भी जो है वो खुदन हमारे हजरत भी फातिमा गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल अंसारी एजाज साहब का हक असाजा के राम और तमाम तलबा तालबा की जानब से हम एकता ग्रुप जो है काली तरफी इनके ग्रुप को जो है हम इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं कि सुनी जो उनके आने की आहट, गरीब खाना सजाया हमने और कदम मुबारक हमारे घर को नसीब अपना जगाया हमने। ये जो है इनके दस मुबारक से हमारी बच्चियां जो है आज जो है पांचवी जमात की जो शाइना शेख इल्लन आ जाओ बेटा, शाइना कौन है पांचवी जमात की। इसी तरीके से बीबी फातिमा गुरशीद अहमद, हाँ ये हमारे खाली सरफी साहब के दस मुबारक की बच्ची का इस्तेमाल किया जा रहा है, तालियों से इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से बीबी फातिमा गुरशीद अहमद हाँ छठी क्लास की जो है वैसर अमरी वाहम लसानी अकोली सदक अल्लाह नजीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ जो रहम करने वाला है, करम करने वाला है। आज का स्कूल का पहला दिन हजरत बी फातिमा गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, हजरत बी फातिमा गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज का हमारे रूह रवा हमारे चेयरमैन अलहाज अब्दुल वहाब अब्दुल रजाक सर साहब की जेर सरपरस्ती में निगरानी में चलता है, उनकी तमाम बातों पर अमल किया जाता है। आज बच्चों को जो है खुसूसन जो है हमारे हजरत बी फातिमा गर्ल्स हाई स्कूल के प्रिंसिपल एजाज सर ने जो बहुत तीन बातें बताई कि सरपरस्त जो है घर पर जाकर सरपरस्त से ये पूछे कि आप जो है क्या बनना चाहते हैं। असल में बच्चों का मकसद रहता है टारगेट कि हम स्कूल जब आ रहे हैं स्कूल में आने का हमारा मकसद है कि हमको क्या बनना चाहिए। अगर ये टारगेट लेकर बच्चा चले तो वो अपनी ज़िंदगी में अपने मकसद में जो है तो कामयाब होता है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान था, करम था कि आज स्कूल के पहले दिन जो है बहुत अच्छी प्रेजेंटी रही थी, ये हमारे लिए कामयाबी है। ठीक है,